जैन साथियों, आज हम आपको छोटे बच्चों में सबसे बड़ी समस्या होती है बैठे बैठे पढ़ाई करते समय कमर में लंजिंग आना, तो कमर में बेंड आ जाता है। इस जैसे ये है, देखो इसको काइफोसिस बोलते हैं, कमर बाहर की तरफ झुक जाती है। ऐसे अगर आप चारपाई पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं आगे झुक के, तो इस तरह से कमर का बेंड आ जाता है। बैठा को दिखा, बैठो बैठो बैठा जा सीधा स्ट्रेट बैठ। ये इतनी कमर बाहर आ रखी है, इस साइड से दिखा, इस साइड से इतनी कमर बाहर आ रखी है। तो साथियों, इस तरह की अगर किसी बच्चे को समस्या है तो उसके लिए एक लेट जाओ एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वैसे ऑनलाइन मिल जाता है, तो इसको खरीदें। और इसमें तीन प्रकार के स्टेप्स होते हैं, यहाँ लगाओ इसको, उसके बाद में शुरू का स्टेप्स ये होता है इसमें, उसके बाद जब धीरे 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 सेट हो जाती है कमर, कम 15 से 20 दिन इस एक्सरसाइज करने के बाद में, फिर आपको दो नंबर स्टेज पर लेके आना पड़ता है इसे। एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, फिर अगली बार होता है इसको तीन नंबर स्टेज पर, इस तरह से इसका स्टेज बढ़ाते जाना है। तो ये इस तरह का बैंड आ जाता है इसके ऊपर। चलो बैठो जो बैठो जो, अभी इसका हम फर्स्ट स्टेज में एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इसके बीच में साथ में साइडों में एक्यूप्रेशर है, वो बीच में पैड लगा है जिससे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर टिकता है। जहां आपका कमर का बैंड है वो बैंड इस गोलाई के ऊपर आना चाहिए। ध्यान रखना, आप जब इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेप पर होना चाहिए। लेट जाओ, देखो आधा कर, जैसे लेट रहिए तो एक कमर का जो बैंड है वो इसके ऊपर आना चाहिए। लेट जाए, हाँ शाबाश, इस तरह से हाथ कमर के पीछे, हाथ कमर के पीछे, हाथ पाँव दोनों, चल स्टार्ट कर। इस तरह से आपको सीटअप लगानी है। ये शुरू शुरू में आपको 10 सीटअप से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी स्टेमिना अच्छी है तो 20 30 50 भी लगा सकते हो, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं लगानी है। उसके बाद धीरे 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 स्टेमिना बढ़ती जाएगी और कमर आपके बाहर के प्रेशर से अंदर होती जाएगी। बस खड़ा हो जा। ये दिन में आप सुबह और शाम दो बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने से नाजुक चीज़ होती है और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।